हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट। आज की हमारी इस वीडियो में हम कॉन्टिनेंट के बारे में ही कंटिन्यू करेंगे और थर्ड कॉन्टिनेंट के बारे में जानेंगे, जो कि है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी वीडियो से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करिए। अगर आप पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी या फिर किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में। विच इज़ दी वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, यानी कि विश्व का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट एट ऑलमोस्ट अ फिफ्थ ऑफ द साइज ऑफ एशिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया उतना छोटा है कि एशिया के ये फिफ्थ साइज, यानी कि एशिया के पांचवें भाग के बराबर है ऑस्ट्रेलिया। द मेजरमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज जस्ट शाय ऑफ 3 मिलियन स्क्वायर मील्स, बट दिस इंक्लूड द मेजर आइलैंड कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एज वेल एज सराउंडिंग आइलैंड्स विच आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू ओशिनिया। अब ऑस्ट्रेलिया जो है ये 3 मिलियन स्क्वायर मील्स में है सिर्फ, लेकिन इसके अंदर मेजर आइलैंड कॉन्टिनेंट्स आते हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड हैं और ऑस्ट्रेलिया जो है वो आइलैंड से घिरा हुआ है, जिस एरिया को ओशिनिया कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ये एक कंट्री भी है और एक कॉन्टिनेंट भी है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर नंबर ऑफ कंट्रीज 3 हैं, यानी कि इसको अगर हम जब कॉन्टिनेंट रेफर करते हैं, इसके अंदर 3 मेजर कंट्रीज आती हैं। इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं क्योंकि ये चारों दिशाओं से आइलैंड से घिरा हुआ है कॉन्टिनेंट है। इसका ऑफिशियल नेम है कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया लाइज ऑन द साउथ ऑफ द इक्वेटर, ऑफन कॉल्ड द कंट्री डाउन अंडर, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इक्वेटर के साउथ पार्ट में आता है। ऑस्ट्रेलिया स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ वूल प्रोडक्शन, यानी कि वूल प्रोडक्शन के मामले में ऑस्ट्रेलिया सबसे टॉप कॉन्टिनेंट है या सबसे टॉप कंट्री है। वूल प्रोडक्शन यहाँ सबसे ज़्यादा किया जाता है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉरल रीफ द ग्रेट बैरियर रीफ इज अराउंड 2000 किलोमीटर लॉन्ग ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, यानी कि कॉरल रीफ का नाम सुना होगा, द ग्रेट बैरियर रीफ जिसे कहते हैं, वो वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉरल रीफ द ग्रेट बैरियर रीफ जो है 2000 किलोमीटर लॉन्ग ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। हाउ स्मॉल इज ऑस्ट्रेलिया बाय लैंड एरिया एंड पॉपुलेशन, यानी कि ऑस्ट्रेलिया कितना छोटा है लैंड एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज। तो इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया द कॉन्टिनेंट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, यानी कि ये सभी 7 कॉन्टिनेंट्स में से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इसका एरिया जो है एरिया वाइज काफ़ी छोटा है ये, विच इज स्लाइटली स्मॉलर देन द कंट्री ऑफ ब्राज़ील, यानी ये ब्राज़ील से छोटा है। कीप इन माइंड थ्रो दिस नंबर इंक्लूड्स द स्मॉल आइलैंड नेशन दैट सराउंड इन इट द पैसिफिक आइलैंड रीजन्स ऑफ द ग्लोब। ये एक स्मॉल आइलैंड नेशन तो है ही जो कि पैसिफिक आइलैंड रीजन से घिरा हुआ है। जैसा कि हमने जाना कि इसके आसपास आइलैंड्स हैं। ऑल्दो दिस इज जस्ट 5% ऑफ द वर्ल्ड लैंड मास, यानी अगर हम एरिया की बात करें तो पूरी वर्ल्ड की जो एरिया है, सरफेस एरिया है, अर्थ सरफेस है, उसका 5% सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया इज द प्लैनेट्स 6th लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर रशिया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये 6th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में रशिया के बाद। रशिया, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड ब्राजील के बाद ये
सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री है. सबसे फर्स्ट है रशिया, लार्जेस्ट की बात करें तो सेकेंड है कैनेडा, थर्ड चाइना, फोर्थ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड फिफ्थ है ब्राजील एंड सिक्स्थ है ऑस्ट्रेलिया. इट इज ऑल्सो द ओनली वन ऑफ द लार्जेस्ट सिक्स नेशन दैट इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वाटर. और ये लार्जेस्ट सिक्स्थ नेशन है जो कि हर तरफ से पानी से कह लीजिए घिरा हुआ है, क्योंकि आइलैंड्स ही आइलैंड्स हैं. हाउ ऑस्ट्रेलिया कंपेयर इन अदर वेज. ऑस्ट्रेलिया इज एन आइलैंड सिंस इट इज सराउंडेड बाय वाटर, बट इट इज ऑल्सो लार्ज इनफ टू बी कंसिडर्ड अ कॉन्टिनेंट. ऑस्ट्रेलिया को हम एक आइलैंड कह सकते हैं, आइलैंड कंट्री कह सकते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा है, लेकिन फिर भी ये एक कॉन्टिनेंट है. विच मेक्स ऑस्ट्रेलिया द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड. लेकिन ये जो चारों तरफ से पानी से घिरा है, इसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया को एक लार्जेस्ट आइलैंड भी कहा गया है विश्व में. तो टेक्निकली सिंस द आइलैंड नेशन इज टेक्निकली अ कॉन्टिनेंट, मोस्ट एस्क्राइब ग्रीनलैंड एज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. यहाँ पर एक ग्रीनलैंड नाम का आइलैंड है जो कि सबसे बड़ा आइलैंड है वर्ल्ड में. ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो कंपेरेटिवली द ड्राइस्ट मोस्ट एरिड कॉन्टिनेंट ऑफ द सेवन. यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट है. अगर हम अंटार्कटिका की बात छोड़ दें तो ऑस्ट्रेलिया भी एक कंपेरेटिवली ड्राइस्ट विंडीएस्ट जगह है, क्योंकि आइलैंड्स बहुत सारे हैं. यहाँ पर नंबर ऑफ आइलैंड्स इतने सारे हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक ठंडा देश बना रखा है, इसलिए इसे ड्राइस्ट कंट्री भी कहा गया है आउट ऑफ द सेवन कॉन्टिनेंट. तो ये याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है आउट ऑफ द ऑल सेवन कॉन्टिनेंट्स. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें. आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं. थैंक यू.